न्यूजीलैंड च गैर कानूनी ढंग के नाल भंग के नशे का कारोबार जोरां शोरां दे नाल चल रहा है, जिस दा लक तोड़न दे लई न्यूजीलैंड पुलिस वालों बीते एक साल के दौरान एक सांझा ऑपरेशन चलाया गया सी। नैशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप वालों न्यूजीलैंड के 6 जिलों की पुलिस के नाल चलाए गए इस ऑपरेशन के तहत न्यूजीलैंड भर के 95 मिलियन डॉलर की भंग ते भंग के बूटे बरामद किए गए हैं। पुलिस मुताबक न्यूजीलैंड भर च इस वेले वड्डे पद्धर ते भंग की गैर कानूनी खेती लोग कर रहे हैं। पुलिस के बुलारिया ने दस्या है कि साल भर के पुलिस वालों 123 जगावां के उत्ते रेडा मारियां गईयां सन। इस दौरान जिथे 34,000 भंग के बूटे ते 79 किलो सुकी भंग बरामद की गई, उत्थे ही इसकी बाजारी कीमत 95 मिलियन डॉलर दसी जा रही है। पुलिस ने दस्या है कि इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार करके उन्होंने कोलों नजायज हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने दस्या है कि इस सांझे ऑपरेशन का 7 लाख डॉलर के करीब खर्चा भी आया है, क्योंकि पुलिस वालों इस दौरान रेडा मारन के लिए हैलीकॉप्टर ते प्लेन की वरतों भी की गई सी। जिक्र योग है कि न्यूजीलैंड च सैकड़े लोग गैर कानूनी ढंग के नाल भंग के नशे का कारोबार कर रहे हैं। इन दे विचों ज़्यादातर वो लोग ने जो कि शहरों तो बाहरले इलाकों के रेंदे ने। पुलिस वालों हुण भंग के नशे का कारोबार करने वाले लोगों ते लगातार नकेल कसी जा रही है। जिक्र योग है कि न्यूजीलैंड दीआं बीतीआं आम चोणां दे दौरान न्यूजीलैंड च भंग दे नशे नूं मानता देण दे लई रेफरेंडम भी करवाया गया सी। उस रेफरेंडम दे खिलाफ न्यूजीलैंड दे अधे तों वध लोकां ने वोटिंग करके उस रेफरेंडम नूं नकार दित्ता सी, जिस तों बाद अज भी कैनबिस दे नशे नूं न्यूजीलैंड च इक अपराध दे वजों देख्या जांदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली खबर।